क्या है मैं बता देता हूँ आपको। 207 RL 207 डायोड है और तीन वायर आपको ऐसे लगेंगे, ये तीन वायर और एक मेंस वायर लगेगा और एक 12 वोल्ट का आपको लगेगा एडप्टर। तो 12 वोल्ट का एडप्टर आपको लगाना है हीटर पे, 12 वोल्ट का एडप्टर लगाएंगे हीटर पे। और इसको तो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसा क्या लगाना है आपको एकदम डिटेल में समझा देता हूँ, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप डायोड लीजिए और डायोड को जो है इसके प्लस पे लगा दीजिए। डायोड का प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायोड का प्लस और ये कंडेंसर का प्लस, ये लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद अब दो वायर और लीजिए, दो जम्पर वायर, तो वायर आपको क्या करना है वो बल्ब पे मारा, 0 वाट बल्ब पे मारना है। तो एक इस पे मार देना है, दूसरे वाले पे मार देना है। उसके बाद ये वायर आप यहाँ पे निकाल देंगे तो ये दो वायर हो गया। तो एलईडी का जो एक वायर तो ये हो गया, इसका सॉरी बल्ब का एक वायर इधर जा रहा है और एक वायर ये जो मैंने हाथ में पकड़ा ये है। तो ये वायर कैसा करना है आपको, एक इसके माइनस में मार देना है यहाँ पे कंडेंसर के, जो कंडेंसर लगा है कंडेंसर के माइनस में मार देना बल्ब वाला वायर। तो एक वायर जो ये निकल रहा है, ये जो बल्ब से आ रहा है ये वायर, इसको छोड़ देना है ठीक है। उसके बाद फिर एक वायर सिंगल वायर और लेना है आपको, सिंगल वायर लेना है जो आपको मारना है इस जैसे डायोड के और इसके इससे। ये दो वायर हो गए, एक डायरेक्ट निकल रहा है, आप कंडेंसर देख लीजिए, ये कंडेंसर से जो माइनस प्लस वाला है, ये कंडेंसर का प्लस वाला वायर है जो ये डायोड के नीचे से जाएगा और एक ये माइनस से जाएगा, इसमें से दो वायर हो गया। अब रही बात मेंस वायर की, आपको क्या करना है एक इससे मार देना है और एक वायर ये डायोड के ऊपर मार देना है। तो ये वायर मैंने मार दिया, ये मेंस वायर का भी मार दिया मैंने, आप देख लीजिए। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये जो डायोड लगा है डायोड का प्लस वाला पॉइंट और ये देखिए प्लस वाला पॉइंट और ये सिंगल वायर जो आपको लगाना है ग्राउंड पे, ट्यूब की जो ग्राउंड होता है, अगर ये अपना जाड़े नेक का और पतले नेक का जो है ग्राउंड जो होता है वो उस पे लगाना है। और सेकंड वाला जो माइनस कंडेंसर का माइनस निकल रहा है वो माइनस आपको लगाना है किस पे,
जो चार्ज करना है आपको, जैसा रेड चार्ज करना है, ग्रीन चार्ज, जीबी पे लगाना है, जो चार्ज करना है उस पे लगाना है। और फिर आपको, चलो मैं आपको डेमो भी दे देता हूँ, ये कंफर्म बना है कि नहीं बना, आपको ये भी हो जाएगा। अब ये मैंने लगा दिया, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो, एक मिनट। डायोड जो है चेक करना कि खराब नहीं हो, खराब होगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट अगर सीरीज में लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट आउट हो जाए। बट आपको इसमें डायोड वही लगाना है 207 का। शायद ये मेरा डायोड खराब हो या कुछ भी, ये मैंने चेक नहीं किया था, दूसरा डायोड लगा देता हूँ। अगर डायोड आपका शॉर्ट रहेगा तो आपको सप्लाई, ये जो बल्ब से सप्लाई बनती है वो सप्लाई बनेगी ही नहीं, और सप्लाई बनेगी नहीं तो आपका ट्यूब चार्ज होगा नहीं। कंडेंसर भी चेक, मतलब चेक कर लिया, चालू है कि नहीं, वैसे ज़्यादा खराब तो नहीं निकलता है, फिर भी खराब हो गया तो क्या गारंटी है। चलो लगा के चेक करते हैं, तो देखिए ये अभी ये चालू नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो होगा, शायद बल्ब खराब होगा। एक मिनट में चेक, ओ सॉरी बटन बंद किया था, बंद है। कंडेंसर भी खराब हो सकता है, कंडेंसर खराब हो, तो गाइस अभी हम लगा के देखते हैं। तो देखिए ये चालू हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका, ये बन गया है चार्जर। और ये चार्जर में एक खासियत ये भी है कि आपका ट्यूब खराब नहीं होगा, आप उल्टा भी लगाएंगे ना तो भी आपका ट्यूब खराब नहीं होगा, जल्दी ट्यूब खराब होगा ही नहीं। तो अभी ये पतला नहीं हो गया, अब पतला नहीं लगता है ऐसा। अब ये पहला ब्लू हो गया, ये ब्लू, उसके बाद ये दोनों हीटर, फिर ये ग्राउंड। तो आपको कैसा करना है ये मैं पतला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसा ऐसा ही बेस लगता है ना, ऐसे ही बेस लगेगा ना, तो इसमें से सबसे पहला अगर समझ लो आपको चार्ज मारना है, तो ये जो है आपको ये ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लगा दिया हमने चार नंबर ग्राउंड, ये चार नंबर ग्राउंड लगा दिया। अगर आपको ब्लू चार्ज करना है तो आपको ब्लू पे लगाना होगा, ब्लू चार्ज करना है तो ब्लू पे मारना होगा, एक बार वो लगा रहने देना है। ब्लू के बाद अगर आपको ये ग्रीन चार्ज करना है, ये रेड होगा शायद, इसमें पतला निकल है, तो इस पे चार्ज करना है तो इस पे लगा दिया। फिर ये हीटर, ये अपना G2 हो जाएगा, इसको छोड़ के फिर आपको इस पे लगा देना है, ये अपना ST का स्क्रीन का हो गया, स्क्रीन छोड़ के फिर आपको ये ग्रीन पे लगा देना है। तो ऐसे ऐसे आपको चेंज करना रहेगा, और ये सबसे बेस्ट है, आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपका जल्दी बन जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं, और बहुत अच्छा चार्जर है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपको एक बार कनेक्शन फिर से समझा देता हूँ मैं। ये जो 0 वाट बल्ब का वायर है, ये 0 वाट बल्ब का वायर है, ये ग्राउंड है, तो ये आपको किस में लगाना है, ग्राउंड में। और ये प्लस वाला जो वायर निकल रहा है, ये प्लस वाला आपको चेंज करना है, एक जैसा ग्रीन में लगा दिए, फिर रेड में लगा दिए, फिर ब्लू में लगा दिए, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना है। और ये डायोड आप सर्किट, कोई भी सर्किट रहता है जो ब्रिज रेक्टिफायर रहता है, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आप लगा सकते हो, RL207 ये डायोड का नंबर है, और बाकी कौन सा भी आप लगा सकते हो। और कंडेंसर आपको कम से कम मिनिमम, अब इसमें देखो मैंने 500 लगाया और 220 mAh लगाया, पिछली बार पूरा 100 था तो मेरा खराब था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं सारी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि कैसा करने का है कैसा नहीं। तो आप देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये डायोड लगाना, और 12 वोल्ट का अडैप्टर आपको कहाँ मारना है, ये दोनों पे, ये हीटर पे, जो जहाँ पे H1 H2 लिखा रहता है, या फिर एक ग्राउंड कर देना, ये उसमें से एक ग्राउंड कर देना और एक इसमें लगा देना, प्लस माइनस इसमें नहीं होता है,
तो आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, जाड़ा नेब हो या पतला नेब हो, कौन सा भी ट्यूब आप एकदम अच्छे से चार्ज करते हो। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और देखते रहिए, और आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।